बताएं। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स इसके नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे। रेवेन्यू फ्रंट पर तो करीबन 1% की बढ़त हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, 1,06,040 करोड़ के आसपास। एडजस्टेड बेसिस पर कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो 14,712 करोड़ पर रह सकता है, लगभग 7.5% तक की बढ़त यहाँ पर भी उम्मीद है। एडजस्टेड मार्जिन भी करीबन 13.9% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 13% के मुकाबले। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कंपनी जो है ऑपरेशनल लिहाज से बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि अगर आपको देखना है कि रियलाइजेशन कैसी है, तो जेएलआर के लिए करीबन 4% तक की बढ़त हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, और जो भारतीय पीवी कारोबार है वहां पर भी रियलाइजेशंस करीबन 5.6% तक घटती हुई नजर आ सकती हैं। ओवरऑल कंपनी की मार्जिन करीबन 90 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकती है, और मुनाफा में 32% की ग्रोथ के साथ 4,950 करोड़ पर यह आंकड़ा भी आ सकता है। तो ऑफकोर्स टैक्स रेट में थोड़ी कटौती होने से कंपनी के मुनाफे को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, बट आपको यह भी देखना है कि कंपनी जो है खासकर जो जेएलआर का आगे चलकर किस तरह का प्रदर्शन रहेगा उसको लेकर क्या आउटलुक है अक्रॉस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, वो देखना काफी जरूरी रहेगा। जिस तरह से चीन की तरफ से जो ईवी प्राइस वॉर्स डिक्लेयर की गई है उस पर कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है, इस पर ध्यान रखना आपको। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, यहां पर रखनी है आपको नजर, देखते हैं कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहेगी। जैन साहब आपसे भी सर, थोड़ी देर पहले इसके चार्ट पर हम बात कर रहे थे, बट कंपनी पर एक व्यू। देखिए वैसे तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा सा टाटा मोटर्स तो ज्यादा ही अंडर परफॉर्म कर गया, पहले आउट परफॉर्मर था। तो मुझे यही लगता है कि जिन लेवल्स पे है यहाँ पे काफी सारी चीजें नेगेटिव जो भी है वो डिस्काउंटेड है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बॉटम फिशिंग आनी चाहिए। नंबर्स देखते हैं कैसे आते हैं, काफी कंफ्यूजिंग नंबर्स रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के रहते हैं अलग अलग, बट इंडिया में समहाउ कमर्शियल व्हीकल्स वाला सेगमेंट फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू the passenger vehicles, so let's see how it goes like, but thoda clueless hai. Okay, but jaisa